तो मैं कम हमारे साथ जो फार्मर मौजूद हैं वो सेंट्रल पंजाब से बिलोंग करते हैं, राय असलम फार्म से, जड़ावाला से राय इमरान असलम, वो अपने ख्याल का इजहार करेंगे हमारे साथ जिंजर कल्टीवेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, शाम हो आपकी। मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ, जड़ा वाले तहसील में मेरा यहाँ से 30-35 किलोमीटर पे सफर जा रहा है। तो मैंने 2 साल पहले 5 मरले पे सीड यहाँ से लेके डॉक्टर साहब से लगाया था, वो मेरा पहला तजर्बा था। और उसके बाद पिछले साल मैंने 1 कनाल पे जो है वो अदरक आज थी। तो काफी जो बंदा तजर्बे करता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पिछले साल जब हमने नेट लगाया तो हमने उसे पूरा कवर किया और वो 5 मरले को हमने पूरा बांध रखा। मेरे पास छोटे से यूनिट से मैंने शुरू किया तो मैं ड्रिप इरीगेशन में नहीं गया, मैंने उसे फ्लडिंग की हाथ से करवा ली, पाइप से थोड़ी थोड़ी फ्लडिंग करवा ली। तो अब 1 कनाल पे गए, जब आप बड़े स्टेप में जाएंगे तो फिर जाहिर है आप वो हाथ से तो नहीं कर सकते। तो पिछले साल हमने एक जगह पे जड़ा वाले में तला साहब हैं, वो भी बीजों का काम करते हैं, तो हम उनके फार्म पे गए तो वहाँ पे हमने, उन्होंने थोड़ी सी अदरक लगाई हुई थी और साइडें उन्होंने जो है वो खाली छोड़ी हुई थी। तो मैंने और डॉक्टर अमर साहब ने उस चीज़ को देखा और फिर हमने उसको पिछले साल हमने साइडें ओपन की। शाम को हम साइडें ओपन कर देते थे और सारी रात ओपन रखती थी वो जितनी जगह हम कवर की हुई थी, और फिर हम उसे सुबह जब धूप शुरू होती थी तो हम वो साइडें फिर जो है वो बंद कर देते थे और शाम को फिर उठा देते थे। तो ये मैंने उसमें अपना तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरी दो दो साइड पे मेरी 100 फुट लंबी एक रो है और 60 फुट चौड़ा था, तकरीबन 1 कनाल बन गई। तो साइड वाली दो दो जो लाइनें थी वो 100 फुट की जो दो दो लाइनें थी वो 25 से 26 kg निकली। उन्हें धूप पड़ती थी या उन्हें वो रोशनी आती थी या हवा ज़्यादा लगती थी, जो भी था, दोनों साइडों की जो खालियाँ दोनों दोनों थी वो 25-25 kg की एक एक खाली निकली। तो अगर उस हाउस पे मैं जाऊं तो तकरीबन 1 कनाल मेरी 16 मन जो है वो आराम से निकल सकती है। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब से ये जो है वो शेयर किया कि अगर इसको, और उसकी एक और भी सूरत रही भी, जो साइडों वाली जो खालियाँ थी उनके जो पौधे थे उनका कद ज़्यादा नहीं हुआ और वो पौधे गिरे नहीं, और उसमें हमें वो डोरिए वगैरह और उन्हें स्ट्रे मतलब सहारा नहीं देना पड़ा। तो जो सेंटर वाली खैलिए हैं उनका जो पौधा है उसका कद बहुत बड़ा हो जाता है और नीचे जो है अदरक जो है वो उतनी नहीं होती जितना उसके पौधे का कद होता है, और वो हर टाइम जो है वो पूरे यानी के 7-8 माह उसने शेड के नीचे ही रहना है। तो मैं इस दफा जो है वो थोड़ी सी जगह जो है वो उस पर मैं तजर्बा कर रहा हूँ कि ऊपर में जिस तरह मस्जिदों में आप देखते हैं वो शेड अंदर बाहर हो जाते हैं, तो मैं तजर्बा कर रहा हूँ कि वो शेड जो है वो रात को हटा लिया जाए, क्योंकि जब सावन भादो आता है तो जिस तरह आप कमरे में नहीं बैठ सकते इस तरह ये फसल भी स्ट्रेस लेती है और बहुत ज़्यादा जो है ना घुटन महसूस करती है। तो क्यों ना हम इसे रात को ओपन करें, थोड़ी सी जगह वो ओपन करके तजर्बा करें कि वो तजर्बा अगर हमारा कामयाब होता है तो ये इस फसल को हम ज़्यादा बजाय सारी हर टाइम से कवर करके हम इसे ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं ये आपसे शेयर करना चाह रहा था। बाकी अच्छी फसल है, आप जो लोग ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं बनाना चाहते कम से कम 5-5 मरले पर इसे चला के देखें, और इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान को अदरक की ज़रूरत भी है। मैं मैदानी एरिया में यहाँ पे हमारे यहाँ पे 41-42 चला जाता है, इस साल तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अर्ली बारिशें शुरू हो गई, टेम्परेचर में लू नहीं चली। तो पिछले साल लू चली थी तो मैंने ये मस्जिदों में जो पंखे पानी वाले होते हैं तो मैंने पंखा बीच में लगा दिया तो नमी पूरी हो गई थी, अंदर जो ह्यूमिडिटी थी वो तकरीबन जो है वो जब ज़ीरो हमारा बाहर ह्यूमिडिटी ज़ीरो होगी उस वक्त भी अंदर जो है वो 30 से 32 रही है। तो शदीद गर्मी में भी मैंने उसे चला लिया और पौधे नहीं मरे। तो दूसरी एक मैंने और
करनी थी कि जो पोठोवार का एरिया जहाँ पे दोस्त बता रहे हैं कि हमारी जो 2 किलो 1.5 किलो तक जो एक पौधा चला जाता है, हमारे यहाँ पे पौधा इतना बड़ा नहीं होता और पौधा जो है वो पंजा जो है वो इस तरह नहीं जाता। जो भी पौधा मैंने निकाला है एक किनाल में, वो पौधा ऐसे रहा है, उसका पंजा ऐसे रहा है, 8 इंच में हमने पौधा लगाया है और वो पौधा कोई भी पौधा जो इस शेप में नहीं निकला है, हर पंजा इस शेप में निकला है, तो 8 इंच पे लगाया है। तो अगर एक खाली आप 6 इंच पे लगा के देर बार करें, मैदानी एरिया में अगर वो थोड़ा भी वजन होगा तो पौधों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। एक खाली लगाने में, तजर्बा करने में वो आपका जो है वो एक्सपीरियंस आ जाएगा भी, मैदानी एरिए में पौधा अगर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है, तो उसकी आप तादाद अगर ज़्यादा कर लें, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे वहाँ 25,000 और यहाँ पे 32,000 का फर्क है, तो हम अगर जिस तरह कई जगह पे मकई लगती है वो 40-42,000 पौधे लगा लेते हैं, कई कम लगा लेते हैं, तो एक खाली अगर आप जो है वो थोड़ी सी कम लगा लें, 6 इंच में चले जाएँ, तो 6 इंच में उसका आप और दूसरी खाली का तजर्बा करके देख ले, अगर वो आप मैदानी एरिया में आपको वो 6 इंच ज़्यादा निकले तो आप फिर अगले साल में उसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो बाकी अगर किसी ने विजिट करना हो या मैं लगा लूँ तो मैं दोस्त जो है वो मेरा नंबर ले लें, मैं यहाँ पे इस एरिए में जो भी आना चाहे एनी टाइम उन्हें मैं दिखाऊँगा और इसे फिर हम नेक्स्ट जो है वो बड़ा करेंगे और ये बहुत अच्छी फसल है और हमें इन दो हम दोस्तों को इस साइड पे जाना चाहिए। शुक्रिया।